आपके सक्सेस होने का राज आपके मुट्ठियों में छुपा है, तो क्या कहोगे आप लोग, बोलो, मानोगे मेरी बात के नहीं मानोगे। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग, स्वागत करती हूँ आप सब लोगों का एक नए ब्लॉग में, एक नए वीडियो में, जो कि आपके बहुत काम का वीडियो होने वाला है। बहुत ही, अगर आप लोगों को सच में यूट्यूबर बनना है, सक्सेस यूट्यूबर बनना है, तो ये वीडियो लास्ट तक देखना। अगर बीच में छोड़ दोगे तो फिर मुझसे मत कहना कि आपने तो बोला था कि मैं हम सक्सेस हो जाएंगे, हमारा चैनल चल जाएगा, लेकिन चलता नहीं है। क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं कि वीडियो देखते हैं और फिर बीच में छोड़ के चले जाते हैं, फिर बाद में कुछ लोग ग्रो हो जाते हैं तो उनको देख कर आते हैं कि भैया उनका चैनल ग्रो हो गया, मेरा हुआ ही नहीं। क्योंकि आपकी गलती, आपने देखा ही नहीं पूरा वीडियो। ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें हम शुरुआत में बताते, जो कुछ इम्पोर्टेंट जो बातें होती है, कहते हैं ना कि वीडियो किस चीज़ की बना रहे हैं, आप लोगों को सिखाने के लिए, आपको समझाने के लिए कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन आप लोग वीडियो बस थोड़ा सा देखते हो, छोड़ के चले जाते हो, तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। अगर आप लोग सच में एक यूट्यूबर बनना चाहते हो ना, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए बताती हूँ, अगर मैं ये कहूँ कि आपके सक्सेस होने का राज आपके सक्सेस होने का राज आपके मुट्ठियों में छुपा है, तो क्या कहोगे आप लोग, बोलो, मानोगे मेरी बात कि नहीं मानोगे। देखो, माननी तो पड़ेगी भैया, और आपका मन है मानो या ना मानो, भैया मैंने जो एक्सपीरियंस किया वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, बस, ठीक है। और कहते हैं ना कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि जिस दुख से हम निकले हैं, जिस कांटों पे चलकर हमको निकलना पड़ा, काश हम किसी की मदद करें और वो उन कांटों से बच जाए, उन कांटों पे उन्हें ना चलना पड़े, ठीक है। तो इसी के लिए मैंने ये वीडियो बनाना स्टार्ट करी है, वरना मैं भी दूसरी वीडियो बनाती थी। क्योंकि 4 साल बहुत होते हैं यूट्यूब पर, 4 साल बहुत ज़्यादा होते हैं, जो कि सारी चीज़ें एक्सपीरियंस हो जाती हैं, कि मेरे समझाने से आपको समझ में आता है। कहते हैं ना कि एक ही बात जब 10 लोग समझाते हैं तो इंसान के समझ में, किसी के भी समझ में नहीं आती, और एक इंसान समझा देता है तो वो अच्छे से दिमाग में घुस जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये समझाने का तरीके की बात होती है बस, और कोई बात नहीं। वही टॉपिक वो समझा रहा, वही टॉपिक मैं भी बता रही हूँ, लेकिन बात क्या होता है, बात सिर्फ इतनी होती है, समझाने के तरीके के फ़र्क हो जाता और कुछ नहीं, ठीक है। तो चलिए बताते हैं कि आप लोगों को क्या करना है जिससे आपका चैनल फटाक से ग्रो हो जाए। तो चलिए बताते हैं कि हमको करना क्या है। तो हमको लेके चलते हैं आप लोगों को मोबाइल की स्क्रीन पर, जिससे मैं आप लोगों को अच्छे से और सरल भाषा में समझा सकूं, ठीक है। और मैं एक बात और भी बोलना चाहूँगी आप लोग, तो ये देख लीजिए फ्रेंड, ये हमारा दूसरा वाला मोबाइल है, ठीक है। और इस मोबाइल पर हम इस तरीके से अपने क्रोम ब्राउज़र में जाएंगे, जो कि एक गूगल का ही दूसरा रूप होता है। इस पर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और हमें लिखना है www.youtube.com करना है ये वाला, ठीक है। और ये वाला करने के बाद जैसे ही ये ओपन होगा, इस तरीके का आएगा। पहले हम इसको डेस्कटॉप साइड में कर लेते हैं, इस तरीके से, इस 3 जो बिंदी है इन पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे डेस्कटॉप साइड ये लिखा है, ये देख लीजिए, यहाँ पर इसको क्लिक कर देंगे। जैसे इसको क्लिक करेंगे, ये बिल्कुल कंप्यूटर की तरह चलने लगेगा हमारा मोबाइल, ठीक है। मोबाइल बिल्कुल कंप्यूटर का काम करेगा। तो चलिए फिर क्या करना है, इसको जूम करके आपको बताते हैं। फिर हम यहाँ पर इस पर सबसे ऊपर वाला लॉगिन, ये वाला हम इस पर क्लिक करेंगे, ऊपर वाले पे क्लिक करने के बाद ये थोड़ा सा वेट करने को बोलेगा कि थोड़ा सा वेट करो, फिर हम आपको लेके चलते हैं उस पेज पर जिस पे आपको जाना है। हम यहाँ से ये हिंदी ट्रांसफ़र का भी वो आता है, तो वो भी हम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी हम बता रहे हैं, आप लोगों को समझा रहे हैं। तो चलिए, खुल के आ चुका है हमारा वाइट स्टू, इसमें हमारा पहले से चैनल लॉगिन है, तो आपको भी चैनल को लॉगिन करना पड़ेगा अगर नहीं है तो। तो चलिए ठीक है, लॉगिन करने के बाद हम आएंगे अपने ये जो आप लोगों को जो हमारे फ़ोटो के नीचे जो वीडियो का आइकन दिख रहा है ना, इस पर हम क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद, ठीक है, फिर हम यहाँ से अपना सबसे वायरल वीडियो देखेंगे। कहते हैं कि अगर हमारे वीडियो पर 500-600 व्यूज़ आ रहा हो, किसी पे 2-4 हज़ार आ गए, तो वो हमारे चैनल का वायरल वीडियो माना जाएगा। तो चलिए मैं ढूंढ लेती हूँ, तो हम इस पर यहाँ पर लिख देते हैं 10,000। हमारा वीडियो अगर 10,000 पे गया होगा कोई, तो वो वाला पॉपुलर वीडियो आ जाएगा। इतने सारे वीडियो हमारे गए हैं 10,000 पे, ठीक है। तो चलिए ए वीडियो पे हम क्लिक करते हैं, और क्लिक करने के बाद ये पेंसिल वाला आइकन है ना,
ये देख लीजिए, इस पर क्लिक करेंगे, क्योंकि हमारे जो वायरल वीडियो होते हैं ना उनमें क्या होता पता फ्रेंड, उनमें व्यूज आते ही रहते हैं, आते ही रहते हैं, तो उनके जरिए ही हम अपना वीडियो को बहुत ज़्यादा बूस्ट करा सकते हैं, बहुत ज़्यादा लोगों के सामने भेज सकते हैं। तो अभी हमें इसमें क्या करना है तो चलिए बताते हैं। पहली बात, यहाँ पर ये दिख रहा है ना आपको कार्ड्स, तो यहाँ पे हम कार्ड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर कोई वीडियो नहीं लगा, जो ऊपर आइकन पे आता है ना वीडियो, जो बोलते बहुत लोग के बेल आइकन पे आपको वो मिलेगा, तो चलिए वहाँ पर वीडियो हम लगा देते हैं, नई नई वीडियो एक, थोड़ा सा यहाँ से खिसका देंगे, फिर प्लस के पे क्लिक करेंगे, फिर हम वीडियो पे क्लिक करके या फिर प्लेलिस्ट भी लगा सकते डायरेक्ट वीडियो, वीडियो पे क्लिक करेंगे और ये कर देंगे, तीन वीडियो हमने इसमें लगा दिए, फिर सेव कर देंगे। ऐसे ही हम एंड स्क्रीन भी लगा सकते, जैसे कोई वो वाला वीडियो आपका ये वाला एंड तक देखेगा तो ये वीडियो भी उनके सामने जाएगा, तो इस पर हम क्लिक करेंगे ऐसे इस तरीके से, ठीक है। अपने हिसाब से इनको एडजस्ट कर सकते कहीं भी खिसका कर ऐसे, ठीक है, ऐसे कहीं भी इनको हम खिसका सकते हैं। तो इस पर हम जैसे क्लिक करेंगे ना, यहाँ पर ऑप्शंस आ जाएगा, चूज ए वीडियो, तो एक ये वाला वीडियो कर देंगे हम, नीचे पर क्लिक करेंगे और फिर चूज ए वीडियो पर क्लिक करेंगे, फिर ये वाला कर देंगे और यहाँ से इसको सेव कर देंगे, ठीक है, सेव हो गया। तो ऐसे ही जितनी भी वीडियो हैं जो वायरल वीडियो हैं, ऐसे ही हमें सब वीडियो पे करना है। उससे क्या होगा, जब जब ये वीडियो चलेंगी तब तब उन वीडियो का नोटिफिकेशन भी उनके पास जाएगा और अब वो वीडियो भी वो देखेंगे, अगर उनको अच्छा लगेगा तो। बहुत लोग तो ये सोच रहे होंगे कि इससे होगा क्या, तो चलिए पहले तो मैं आप लोगों से ये बता देती हूँ कि इससे होगा क्या। इससे ये होगा, जो आपके चैनल की वायरल वीडियो होती है वो हमेशा वायरल ही रहती है, हमेशा उस पर 10, 50, 100, 200 व्यूज आते ही रहते हैं, लास्ट टाइम तक जिंदगी भर उसमें व्यूज आते रहते हैं। तो उसके साथ हम अपनी जो नई नई वीडियो होती हैं उनको भी बूस्ट करा सकते हैं, लेकिन बहुत लोगों को पता नहीं होता कि हम क्या करें कैसे करें। मुझे भी नहीं पता था जब मैं न्यू यूट्यूबर थी, तो मुझे भी बहुत सारी चीज़ें नहीं पता थी जो कि अब पता चली हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को भी बताऊं, तो आप लोग भी उस चीज़ का फ़ायदा उठा सको। तो आप, ऐसा कोई भी चैनल नहीं होगा जिस पर एक वीडियो वायरल ना हो, एक दो चार वीडियो ज़रूर वायरल करता है। कितना भी छोटा यूट्यूबर होगा, कितना भी एक महीने, दो महीने, चार महीने, छः महीने हुए होंगे आपके चैनल को, तो यूट्यूब एक दो वीडियो तो ज़रूर वायरल करता ही। अगर आप पे 50 व्यूज आते हैं तो किसी वीडियो में 200-250 आए होंगे, अगर 200-250 आते हैं तो किसी किसी वीडियो में 400-500-600 आए होंगे, तो वो वीडियो आपके चैनल की वायरल वीडियो मानी जाएगी। तो आप एक काम कर सकते हो, उस वीडियो के जरिए ही जो नई नई वीडियो हैं उनको आप बूस्ट करा सकते हो, उनके जैसे कि डिस्क्रिप्शन में जो नई वीडियो का लिंक डाल सकते हो, जिससे कि बहुत लोग डिस्क्रिप्शन चेक करते हैं तो वीडियो आपके चलने का चांस है। और नंबर दो, ठीक है, और नंबर दो ये है कि जब आप दूसरे जो वायरल वीडियो है उसका जो कार्ड्स होते हैं, जो बेल आइकन ऊपर जो इधर साइड लिंक चलती है ना ऊपर, उसमें भी वीडियो आप, अभी मैंने जो तरीका बताया था कार्ड्स, उसी को कार्ड्स बोलते हैं, वो कार्ड्स भी आप लगा सकते हो, उससे कि यहाँ पर बताएगा ना तो किसी को अच्छा लगेगा तो वो उस पर क्लिक करके देख सकता है। और नंबर तीन ये है कि जब कोई आपका पूरा वीडियो देखेगा, जो वीडियो अच्छा चल रहा है, बहुत लोग पूरा भी देखते हैं उसको, तो लास्ट में जो एंड स्क्रीन होती है, जो छोटे छोटे से दो पर्दे आते हैं जिसपे मैंने अभी फ़ोटो अपना वीडियो लगाया था ना, तो वो वीडियो भी उनके पास जाएगा और वो उसमें से अगर उनको पसंद आएगा तो वो क्लिक करके देखेंगे, ठीक है। तो इससे आपकी वीडियो वायरल होने के पूरे पूरे चांस हैं। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है, कल मैंने जो एक वीडियो डाली थी, वीडियो पोस्ट करी थी, जिसमें बहुत लोगों ने भर भर के प्यार दिया है कि आप बहुत अच्छा बोलती हो, आप मोटिवेट करती हो, इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए भी कोई ना कोई तो होना चाहिए, तो मैं आप लोगों की हेल्प ज़रूर करूँगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, आगे और भी ऐसी वीडियो चाहिए। क्या प्रॉब्लम है आपको, क्या परेशानी है, क्योंकि शुरुआत में बहुत परेशानी होती है नए यूट्यूबर को, तो आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको वीडियो के थ्रू सारी चीज़ों की जानकारी दूंगी, ठीक है।
वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।